दिव्यांकर, ये तो क्लियर हो गया है क्योंकि केजरीवाल ने अपना जवाब तो ईडी को भेज दिया है, लेकिन राजकुमार आनंद जो कि मंत्री है दिल्ली सरकार में, केजरीवाल की पेशी से पहले उनके घर पर जिस तरीके से रेड पड़ती है, वहां पर सबसे पहले ये अपडेट दीजिए कि चल क्या रहा है, कितनी देर से क्या कुछ मिला वहां से ईडी को अब तक? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन सुबह 7 बजे का जब समय था जब ईडी के 4 से 6 जो अफसर हैं वो पहुंचे थे, एक गाड़ी से जो अफसर हैं ईडी के वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। केजरीवाल के काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद राजकुमार आनंद जो है वो माने जाते हैं, उनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं, पटेल नगर से विधायक है फिलहाल राजकुमार आनंद। और एक अगर पॉलिटिकल माइलेज की तरफ कहा जाए तो एक बड़ा झटका निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को लगा है, क्योंकि ईडी की टीम जब यहाँ पर सुबह पहुंची और आज ही अरविंद केजरीवाल को चूंकि ईडी के सामने पेश होना था कथित शराब नीति घोटाले के मामले में, उनसे पूछताछ की जानी थी, लेकिन उन सब के बीच पहले राजकुमार आनंद के पास यहां पर जो ईडी की टीम है वो पहुंचती है, और तब से अब तक तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का समय जो है वो हो गया है। और राजकुमार आनंद के घर के अंदर जो ईडी के अधिकारी हैं वो लगातार तफ्तीश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कई सारे जो दस्तावेज हैं उन्हें जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, यह भी आपको ध्यान होगा कि जब राजकुमार आनंद बनाए गए थे, राजेंद्र पाल उसके पहले मंत्री थे, हिंदू देवी देवता पर उन्होंने टिप्पणी की थी जिसके बाद विवादों से घिर गया, उसके बाद उनको इस्तीफा लेकर राजकुमार आनंद को मंत्री बनाया गया, और काफी साफ छवि राजकुमार आनंद की आती है। और इन सब के बीच राजकुमार आनंद का जैसे कि जो जानकारी मिल रही कि हवा जो मनी ट्रांजेक्शन का मामला है उसके तहत, या मनी लॉन्ड्रिंग हवाला से जुड़ा हो जो पैसा लेन देन का मामले के तहत ये जो कार्रवाई है वो हो रही है, लेकिन अभी भी ये साफ होनी तस्वीर बाकी है कि आखिर किस मुद्दे पर ये जो पूरी कार्रवाई है, किस पहलू पर ये जो कार्रवाई है वो ईडी की ओर से हो रही है। ईडी की तरफ अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पॉलिटिकल के लिहाज से देखें, राजनीति के लिहाज से देखें, तो आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका मिला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कई सारे जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। कई मंत्री जो फिलहाल अभी जेल में भी बंद हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया पूर्व मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया को देखें या फिर सत्येंद्र जैन को देखें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी फिलहाल अभी कथित शराब नीति घोटाले के मामले में उनसे भी पूछताछ जारी है, वो फिलहाल अभी जेल में बंद है। और आज अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने कहीं ना कहीं पार्टी का खात्मा करने की यहां पर कोशिश की जा रही है, और इतने सारे रेड्स और जो समन जारी हैं, ऐसे में चुनावों से पहले पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? जी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम देखें, हम कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव है और तकरीबन 6 से 8 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव है वो भी हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी उभर कर 12 सालों में जो उभर कर बड़ी पार्टी निकली है, राष्ट्रीय जो पार्टी है उसका दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला है, और आम आदमी पार्टी की छवि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कट्टर ईमानदार पार्टी की जो छवि है वो आम आदमी पार्टी की बनी हुई है, और इन सब के बीच जिस तरह से ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो रही है, और कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो इसका मैसेज जनता के बीच क्या पहुंच रहा है दिव्यांकर, ये समझना भी बहुत जरूरी है। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, दीपक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, बेशक वो राघव चड्ढा हो या खुद केजरीवाल हो, इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है, और अब जिस तरीके से केजरीवाल ने अपना जवाब भेजकर एक स्टैंड लिया है कि ये राजनीति से प्रेरित है और ये गैर कानूनी है, इसका क्या मैसेज जनता के बीच जा रहा है, क्या लग रहा है चुनाव से एन पहले ये किसके लिए मुश्किल भरा होगा? देखिए, जाहिर तौर पर इस तरह का जवाब तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल ऐसा ही जवाब देंगे, क्योंकि आमतौर पर आम आदमी पार्टी यही कहती है कि जो बीजेपी है वो डर गई है, बौखला गई है, चुनाव में हार का डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पंजाब में सरकार बना ली, दिल्ली में 2 बार सरकार बना ली, MCD में सरकार बना ली, तो बीजेपी में बौखलाहट है, डर है अरविंद केजरीवाल का, इस वजह से अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के उनके मंत्रियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।